गुजरात के जिला सूरत में लोकसभा चुनाव लड़े ही बिना बीजेपी का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर जीत जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैच फिक्सिंग हो जाते हैं। दरअसल कहानी ये है कि सभी पार्टी ने अपना नामांकन पत्र यानी फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा किए थे, लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कांग्रेस का कैंडिडेट का सिग्नेचर गलत होते हैं यानी फर्जी होते हैं। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन को रद्द कर देते हैं, जो कि हकीकत में कांग्रेस कैंडिडेट का ये फर्जी सिग्नेचर होते हैं यानी कांग्रेस कैंडिडेट के ये सिग्नेचर नहीं होते हैं, फिर भी कांग्रेस कैंडिडेट को नामांकन से रद्द कर देते हैं। इस धंधली को देखते हुए बाकी 8 पार्टी का कैंडिडेट जो सूरत में लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते थे उन सभी भी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अब सूरत के लोकसभा चुनाव के मैदान में एक ही पार्टी बच जाते हैं यानी बीजेपी का कैंडिडेट मुकेश दलाल बच गए थे। लेकिन दोस्तों गौर करने की बात यह है कि रविवार को जिला अधिकारी और चुनाव अधिकारी सौरभ पारधरती ने बीजेपी कैंडिडेट को ई क्लियर इलेक्टेड अनपोस्टिंग घोषित करते हुए इलेक्टेड होने का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। इससे मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े ही सूरत लोकसभा सीट का सांसद बन गए हैं। ये कैसा जीत है, बिना चुनाव लड़े ही जीत जाते हैं यानी सिग्नेचर में कोई गलत बता करके यहाँ पर रद्द किया जाता है और बाकी जो 8 कैंडिडेट होते हैं वो भी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर चुनाव का विजेता बना दिया जाता है। ये कैसा चुनाव लड़ा गया है कोई समझ में नहीं आते हैं। यानी गुजरात के जिला सूरत में बड़ा मैच फिक्सिंग हो चुके हैं और मुकेश दलाल जीतने के बाद न्यूज़18 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सूरत में देश का पहला कमल खिले हैं, इस कमल को मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करता हूं। यानी बिना चुनाव लड़े ही यहां पर जीत का जश्न बनाया जा रहा है। अभी रिजल्ट तो 4 जून को आएगा यानी 45 दिन बाकी थे, उससे पहले ही जश्न बना रहे हैं। और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि गलत तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया है। कांग्रेस का ये मांग है कि फिर से इलेक्शन किया जाए, तब पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारे हैं, क्योंकि गुजरात के सूरत में बहुत ही घटिया तरीके से यहाँ पर मैच फिक्सिंग किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर बीजेपी का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जीत जाए। और हाँ दोस्तों, ज़रूरी बात यह है, अगर इस तरह का घटिया इलेक्शन पूरे इंडिया भर में कहीं पर भी हो रहे हैं तो आप फौरन ही सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए पूरा खबर को पोस्ट करिए, पूरा खबर को उजागर करिए ताकि पूरे इंडिया भर के आदमी तक ये खबर पहुंचे कि कहां पर क्या हो रहे हैं। बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है और जो खुद गुंडा हो ये चेक कर रहे हैं यहाँ, ये चेक करने का अधिकार ही नहीं इनको, इनको चेक करने का यहाँ पर अधिकार नहीं है, चेक कर रहे हैं यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? चेक करेंगे मोबाइल अंदर पोलिंग बूथ, ये तो आईडी वगैरह देख रहे हैं सब, अध्य तो लोग इनको देख देखते वापस जाने लग रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं, ये चेक नहीं कर सकते, ये चेक नहीं कर सकते, मोबाइल चेक कर, मोबाइल नहीं आईडी देख रहे, आईडी देख रहे, देखो पर्ची भी देख रहे, आईडी भी देख रहे, देखो इनको अधिकारी, अधिकारी किसने दिया अधिकारी इनको, देखो बताओ आईडी भी देख रहे, आईडी इनको ये पता नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि हमारा वोट है कौन से वार्ड में, 2 घंटों के ये पता नहीं है, वहाँ जाकर ये जैसे चेक कर रहे हैं तो इनको बताना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा कहाँ पे है, चेक किस लिए कर रहे हैं फिर इनको जानकारी ने कहा है, किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए, आधार कार्ड है उसके पास। और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है और कहीं कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफी लोग परेशान है। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। अगर आप कलम और मोबाइल को उठा लीजिएगा तो इस तरह का घटिया घटना पूरे इंडिया भर में कहीं पर भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ अपने समाज में ये भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप में अगर कोई गलत मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो आप उसी वक्त उस आदमी को बता दीजिए कि ये मैसेज बहुत ही गलत है और समाज के लिए हानिकारक है, इसीलिए आप इस मैसेज को फॉरवर्ड ना करिए। अगर वो आपका बात नहीं मानते हैं तो आप आगे जाकर के एक्शन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी जितना भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर सभी अगर इस तरीके का काम करिएगा तो फिर अनभक्तों का काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी।